प्यारे बंधुओं, इस दुनिया में हम आए हैं, चर्चा को ध्यान पूर्वक सुनेंगे, आनंद लेंगे जीवन का, और जिससे चर्चा सार्थक हो। पहले ऋषि मुनियों के पास में बड़े बड़े राजा विद्वान लोग जाते थे कि महाराज कुछ उपदेश कीजिए, और उपदेश लेकर के जीवन में वो अपने आप को धन्य अनुभव करते थे। तो आज भी हम ये इन चीजों को सुने, श्रवण करें। आज आपके सामने मैं हेमवती विद्या का कुछ, हेमवती नामक ब्रह्म विद्या का कुछ थोड़ी सी चर्चा गीतों के माध्यम से सुनाऊंगा। नाम सुना है कभी? हेमवती विद्या, ब्रह्म विद्या हेमवती, ऋषि दयानंद जी महाराज ने जिसका उपदेश किया है। ऋषि दयानंद जी महाराज ने हेमवती ब्रह्म विद्या का जो उपदेश किया है, जिसको हेमवती विद्या कहा है, आओ उसको थोड़ा गंभीरता से चिंतन कर ले भजन के माध्यम से। अच्छा, संसार में हम जो भी कार्यक्रम करते हैं, जो भी करते हैं क्रियाकलाप, उसको करके हम अपने आप को ये मानते हैं कि ये मैंने किया है, या ये मानते हैं कि ये मैंने नहीं किया है। अधिकतम हम जो भी करते हैं वो ये सोचते हैं कि हमने किया है, हम अपने आप को क्या मान बैठे, करता। लेकिन जब हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ में मंत्र पाठ किया, हमने स्वाहा कह करके क्या प्रदान की? आहुतियां। और आहुतियां जैसे प्रदान की, उसके बाद में स्वाहा के बाद में हम क्या बोलते हैं? इदम नमः, ये मेरा नहीं है। अच्छा, क्यों बोलते हैं? आहुति तो आपने दी, लेकिन ये भावना क्यों है, ये क्यों कहा गया? तो इसमें जिससे कि मेरे अंदर अहम ना जाए, मेरे अंदर अहंकार ना जाए, क्योंकि यह जो भी कर्म मैं करता हूं तेरा तुझको सौंप कर क्या लागे है? मेरा। लेकिन जब तक ये कर्ता के भाव हमारे अंदर है, तब तक हम दुखी दुखी रहेंगे। कई आदमी मैंने देखे हैं, मंत्री जी आपने भी देखे होंगे, सब लोग देखते हैं, बड़े परेशान रहते हैं, मैं क्या करूं जी, मैं ये करूं या यो, ये मेरे सर पर मुसीबत है, ये मेरे सर पर मुसीबत है, ये भी मुझे ही देखना है, वो भी मुझे ही देखना है, ये सारे सिस्टम को मैं लेकर के चल, बड़े तनाव में रहते हैं, बड़ी परेशानी में रहते हैं। कब तक रहते हैं? जब तक वो सहज नहीं हो जाते, जब तक ये मानेंगे कि हाँ, इस परिवार को चलाने वाला केवल मैं हूं, तब तक ये परेशानी रहेगी। जब ईश्वर प्राणिधान हमारे अंदर होगा, जब समर्पण हमारे अंदर होगा, तब ये परेशानी नहीं आती। एक बार की बात है कि जितने भी देवता थे, देवलोग हैं, उनका देवासुर संग्राम हुआ, और देवासुर संग्राम होने के बाद में अब सीधी सी बात है, सत्य की जीत होती है कि जी असत्य की होती है? क्यों जी, जोर से बोलो, सत्य की जीत होती है, सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य जीतता है। तो इसलिए देव जीत गए, और जैसे ही देवों ने जीत प्राप्त की, और जीत प्राप्त करने के बाद में देव कहने लगे, जीत हमारी। क्यों जी? जीत तो हमारी और हार ईश्वर की, जीत हमारी और हार परमेश्वर की। तो जीत पर अपनी बड़े ही खुश हो गए, बड़े ही प्रसन्न हो गए, बड़े ही अहंकार में आ गए, बातें करनी बंद कर दी। जैसे नेताजी इलेक्शन से पहले कैसे होते हैं जी, हमारे भी वोट देना जी, है जी, चरणों में गिरे जाते हैं। और जब इलेक्शन हो जाते हैं, मंत्री पद या कोई अच्छे पद को जब प्राप्त कर लेते हैं, तब बात करें तो अब कुछ और तेवर होते हैं। तो ऐसे ही सब देवताओं की जब जैसे ही जीत हो गई, अपनी जीत पर वो प्रफुल्लित हो गए, फूल गए, और अपनी जीत को मान करके अहंकार में भर गए, और किसी को कुछ ना समझते। जब इस बात को ब्रह्म ने देख लिया, ब्रह्म माने उस ईश्वर ने देख लिया, जब उनकी इस अहंकार भरी अट्टाहस को, अहंकार भरी हंसी को, अहंकार भरे आह्लादित होने को जब ब्रह्म ने देख लिया, इस खुशी को, तो ब्रह्म ने इनके अंदर से सारी शक्तियों को खींच लिया। क्या कर लिया? सारी शक्तियों को अंदर से सब देवों की खींच लिया, और आकाश में एक यक्ष के रूप में आ खड़े हुए। आकाश में बड़े गंभीरता से चर्चा को सुनेंगे। आकाश में एक यक्ष के रूप में आ खड़े हुए, सब देवताओं ने देखा, अरे ये यक्ष कौन है? यक्ष कहते हैं जो ऐश्वर्यशाली होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, जो बड़ा है, उसको देखा, अरे ये कौन है, ये यक्ष कौन है, जरा इसका पता तो लगाओ। जितने भी अग्नि वायु आदि देव थे, इंद्र आदि, सबने, अरे ये यक्ष कौन है, इसका पता लगाओ। और ये सब हलचल मच गई देवों में, और देव कहने लगे, और आप भी मेरे साथ में मिलकर के बोलेंगे, क्योंकि इस यक्ष की तो जानकारी हमें लेनी है। तो सब देवों ने देखा कि यक्ष कौन है, जरा इसका पता लगाओ। तो देवताओं ने एक दूसरे को कहना शुरू किया,
कि यह यक्ष कौन है पता करो, यह यक्ष कौन है पता करो कि यह यक्ष कौन है। आप भी मीठी मीठी ताली बजाएं और गीत को भी याद करें, अच्छे गीत याद होने चाहिए। यह यक्ष कौन है पता करो, यह यक्ष कौन है पता करो, आ खड़ा ये कौन सामने, आ खड़ा है कौन सामने, दिव्य रूप धर पता करो, यह यक्ष कौन है पता करो, यह यक्ष कौन है पता करो, यक्ष कौन है पता करो, यह यक्ष कौन है पता करो। जब कहा देवों ने कि इस यक्ष का पता तो लगाओ, तो सबसे पहले एक देव की ड्यूटी लगाई, अरे अग्निदेव आप आइए, आप जरा आपकी हम ड्यूटी लगाते हैं, आप जरा पता करके आइए ये यक्ष कौन है, जो एकदम से आ खड़े हुए इसकी हमें जानकारी नहीं है ये कौन है। तो यक्ष का पता लगाने के लिए अग्नि, क्योंकि अग्नि को सबसे पहले इसलिए ड्यूटी लगाई क्योंकि अग्नि को अग्रणी ही, जो आगे रहने वाली होती है, जो आगे रहता है, जो आगे रह करके सर्वप्रथम कार्य करता है, उसको इसलिए अग्नि भी कहा। तो अग्नि को कहा, अग्नि से कहा फिर देवों ने जाकर इसका पता लगाओ, अग्नि से कहा फिर देवों ने जाकर इसका पता लगाओ, अग्नि बोली मैं जाती हूँ पता लगा करके आती हूँ, अग्नि बोली मैं जाती हूँ पता लगा करके आती हूँ, अग्नि देव फिर दौड़े पहले किया चिंतन की पता करो, यह यक्ष कौन है पता करो, यह यक्ष कौन है पता करो, यक्ष कौन है पता करो, यह यक्ष कौन है पता करो, आ खड़ा है कौन सामने, दिव्य रूप धर पता करो, यह यक्ष कौन है पता करो, यह यक्ष कौन है पता करो, यक्ष कौन है पता करो, यह यक्ष कौन है पता करो। तो अग्नि की जैसे ड्यूटी लगाई, अग्नि से कहा तुम जाकर के जरा पता तो लगाओ ये यक्ष कौन है, अग्नि ने कहा मैं जाता हूँ और पता लगा करके आती हूँ, और सबसे पहले अग्नि देव दौड़े और यक्ष के सम्मुख जाकर के पहुंचे। जब आपस में चर्चा हुई, आपस में संवाद हुआ, तो यक्ष से परिचय होता है, तो आगे क्या परिचय में हुआ, कौन है तू ये यक्ष ने पूछा, करे सामने मस्तक ऊंचा, कौन है तू ये यक्ष ने पूछा, खड़ी सामने मस्तक ऊंचा, यक्ष ने कहा कि तू कौन है, क्या नाम तुम्हारा है। तो अग्नि ने कहा, अग्नि ने कहा मैं शक्ति हूँ जलाने की ताकत रखती हूँ, अग्नि बोली मैं शक्ति हूँ जलाने की ताकत रखती हूँ, जला दू सारे जहां को मैं बन करके अग्नि पता करो, यह यक्ष कौन है पता करो, यह यक्ष कौन है पता करो, यक्ष कौन है पता करो, यह यक्ष कौन है पता करो। अग्नि से कहा कि तुम कौन हो, तो अग्नि कहने मैं शक्ति हूँ, क्यों जी अहंकार तो अंदर था ही, कहने मैं शक्ति हूँ और दुनिया के अंदर जितने भी पदार्थ हैं उन सबको जला करके मैं राख कर सकती हूँ, सबको मैं राख कर सकती हूँ, वो ताकत मेरे अंदर है। आदरणीय स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत सम्मान सत्कार। तो दुनिया के अंदर कोई पदार्थ ऐसा नहीं हूं जो मैं जला ना सकती हूँ, क्योंकि मेरा नाम एक जात वेदा भी है, क्योंकि अग्नि को जात वेदा भी तो कहते हैं, और जात वेदा माने जो उत्पन्न मात्र पदार्थों में निहित है, उत्पन्न मात्र जितने भी पदार्थ हैं उन सब में जो निहित है, इस वजह से अग्नि को जात वेदा भी कहा कि मैं जात वेदा हूं और जलाने की शक्ति रखती हूं और सारे संसार को मैं जला करके राख कर सकती हूं, मैं अग्नि हूं। यक्ष ने कहा अच्छा तुम अग्नि हो, अच्छा ठीक है, तो तुम एक काम करना जरा। बोले जी क्या, तुम जलाने की ताकत रखते हो, कि हाँ, तो एक काम जरा कर दो, थोड़ी सी परीक्षा मैं तुमको
तुम्हारी लूंगा। तो इसलिए यक्ष ने परीक्षा के लिए क्या किया, आगे सुनना जरा। यक्ष सामने तिन काला है, क्या इसको तुम दोगी जलाए। यक्ष सामने तिन काला है, कहा इसको क्या दोगी जलाए। अग्नि ने पूरी शक्ति लगाई, पर तिनके को जला ना पाई। अग्नि ने पूरी शक्ति लगाई, पर तिनके को जला ना पाई। वापस लौट के भेदक शक्ति कहाँ गई वो पता करो, यह यक्ष कौन है पता करो, यह यक्ष कौन है पता करो, यक्ष कौन है पता करो, यह यक्ष कौन है पता करो। यक्ष ने कहा कि ले अग्नि, तुम अग्नि हो, जातवेदा हो, तो लो ये तीन काल और अब इसको जलाओ। अब अग्नि तो अहम में चूर थी, अग्नि ने कहा ठीक है। अग्नि ने अपनी जितनी भी ताकत थी, जितनी भी शक्ति थी, जितनी भी सामर्थ्य थी, सब लगा दी, लेकिन तिलके को नहीं जला पाई। अब अग्नि ने देखा कि ये क्या हो गया, तिनके तक को मैं जला ना पाई, और मान मर्दन हो गया, अहंकार मिट गया, और वापस लौट करके अपने खेमे में देवताओं के पास जाकर के कहने लगे कि मैं नहीं जान पाया ये यक्ष कौन है, इसलिए ये काम मैंने देख लिया है, मैं चला गया, लेकिन यक्ष का मैं पता नहीं कर पाया, इसलिए अब आप अपनी जिम्मेदारी किसी और को दीजिए। अब दूसरी ड्यूटी लगाई। अब दूसरी ड्यूटी किस देव की लगाई, जरा वो सुनना आप। वायु भी फिर सम्मुख पहुंचा करे सामने, वायु भी फिर सम्मुख पहुंचा, यक्ष ने उससे परिचय पूछा। वायु था, वायु भी फिर वायुदेव की ड्यूटी लगाई कि वायुदेव आपकी ड्यूटी है, इसलिए आप जरा पता करके आओ ये यक्ष कौन है। वायु भी फिर सम्मुख पहुंचा, यक्ष ने उससे परिचय पूछा। वायु बोला उड़ा ले जाता, दुनिया में सामान जो पाता। वायु बोला उड़ा ले जाता, दुनिया में सामान जो पाता। उड़ा तो सारे जहां को मैं, उड़ा तो सारे जहां को मैं, बन करके तूफान पता करो, यह यक्ष कौन है पता करो, यह यक्ष कौन है पता करो, यक्ष कौन है पता करो, यह यक्ष कौन है पता करो। आ खड़ा है कौन सामने, दिव्य रूप धर पता करो, यह यक्ष कौन है पता करो, यह यक्ष कौन है पता करो। तो वायु भी जब जैसे ही सम्मुख पहुंचे, यक्ष से परिचय हुआ, यक्ष कहने लगे आप कौन, कहने मैं वायु हूं। वो भी घमंड में फूले हुए थे, अपनी जीत पर वो भी तो प्रसन्न थे। तो वायु ने कहा मैं वायु हूं, और मुझे मातृ ऋष्वा भी कहते हैं। क्या कहा, मुझे मातृ ऋष्वा भी कहते हैं। मातृ ऋष्वा माने जो अंतरिक्ष में शीघ्र गमन करने वाला हो, उसको क्या कहा, मातृ ऋष्वा, जो अंतरिक्ष में गमन करता है। इसलिए मेरा नाम मातृ ऋष्वा है, वायु हूं, और जब मैं अपने प्रचंड रूप में, प्रचंड वेग में होता हूं, तो इस संसार के अंदर जितने भी पदार्थ हैं, उन सबको मैं उड़ा सकता हूं, उन सबको मैं एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ा करके ले जा सकता हूं। मेरा नाम वायु है, मैं तूफान बनकर के सारे संसार के पदार्थों को उड़ा सकता हूं, ये मुझ में सामर्थ्य है। यक्ष ने कहा अच्छा, ये सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है, तो ठीक है, तुमसे पहले भी आए थे एक, तुमसे पहले भी एक देव आए थे, वो भी परीक्षा देकर के गए हैं, एग्जाम देकर के गए हैं, जरा तुम भी एक एग्जाम दे दो। वो कहने लगे बताओ जी क्या करना है। तो ठीक है, जो उसको दिया था प्रश्न वो तुमको दे देंगे। अब क्या हुई घटना, अब तुम सारी शक्ति लगाओ, इस तिनके को उड़ा के दिखाओ। अब तुम सारी शक्ति लगाओ, इस तिनके को उड़ा के दिखाओ। बल सारा वायु ने लगाया, पर तिनके को हिलाना
पाया, बल सारा वायु ने लगाया, पर तिनके को हिला ना पाया। वापस वो भी लौट के आया, वापस वो भी लौट के आया, उड़ा ना पाया। पता करो यह यक्ष कौन है, पता करो यह यक्ष कौन है, पता करो यक्ष कौन है, पता करो यह यक्ष कौन है, पता करो। आ खड़ा है कौन सामने, दिव्य रूप धर, पता करो यह यक्ष कौन है, पता करो यह यक्ष कौन है, पता करो। अब आनंद लीजिएगा चर्चा का, इस ब्रह्म विद्या का। तो जब वायु देव को कहा कि लो अब ये तिनका, जो अग्नि को दिया था वही तुमको देंगे, अब इस तिनके को जरा अपनी शक्ति से तुम कहते हैं कि तुम पूरे संसार के पदार्थों को उड़ा सकते हो, तो अब जरा ये तिनका लो, इस तिनके मात्र को जरा तुम उड़ा के दिखाओ। तो वायु ने जैसे ही तिनके को देखा और जितना भी सामर्थ्य अंदर अपने समझते थे वो सारा लगाया, लेकिन तिनके को जरा भी हिला नहीं पाए। अब जब देखा कि ये क्या हो गया, तो मान अभिमान चूर हो गया और वापस वो भी लौट करके आया, नजरें झुका करके आया और देवताओं में आकर के कहने लगा, अरे भाई मैं भी नहीं जान पाया ये यक्ष कौन है, मैं भी नहीं जान पाया ये यक्ष कौन है, मुझे भी पता नहीं चला, अब तुम किसी और को भेज दो। अब जब दोनों फेल हो गए, अग्निदेव और वायु देवता, अब ड्यूटी लगी इंद्र की, और इंद्र ने कहा मैं जाता हूं, मैं पता लगा करके आता हूं। तो जब इंद्र देव चले तब क्या स्थिति बनी, आइए सुनिएगा। इंद्र चले जब पता लगाने, कहां छिप गए वो यक्ष न जाने। इंद्र चले जब पता लगाने, कहां छुप गए वो यक्ष न जाने। ढूंढत ढूंढत जब चकराए, एक स्त्री को सामने पाए। ढूंढत ढूंढत जग चकराए, एक स्त्री को सामने पाए। उमा नाम था इस स्त्री का, इससे पूछा पता करो यह यक्ष कौन है, पता करो यह यक्ष कौन है, पता करो यक्ष कौन है, पता करो यह यक्ष कौन है, पता करो। आ खड़ा है फोन सामने, दिव्य रूप धर, पता करो यह यक्ष कौन है, पता करो यह यक्ष कौन है, पता करो। अब जब इंद्र ने, देवताओं के राजा इंद्र उठे और इंद्र ने कहा मैं पता लगा करके आता हूँ ये यक्ष कौन है। और जब इंद्र पता लगाने चल पड़े तो यक्ष तिरोहित हो गए। तिरोहित माने अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए, अदृश्य हो गए। और जैसे ही अदृश्य हो गए तो इंद्र ने देखा, चकराए, अरे कहाँ गए यक्ष, अब तक तो तुम कह रहे थे यक्ष का पता लगाने गए थे, लेकिन तुम कह रहे हो ये पता नहीं कर पाए, मुझे तो यक्ष ही नजर नहीं आए। और जब ढूंढते रहे, काफी देर हो गई ढूंढते ढूंढते, जब सर चकराया तो ढूंढते ढूंढते एक स्त्री स्वर्ण अलंकारों से अलंकृत, आभूषण आदि पहने हुए सामने आई। उससे परिचय हुआ, आप कौन? वो कहने लगी मेरा नाम उमा है, मेरा नाम उमा है। और फिर उमा से पूछा, हे उमा जरा आप तो बताओ ये यक्ष कौन था जिसका चर्चा हो रहा है, सब देवताओं में खलबली है। अब उमा किसको कहते हैं? उमा कहते हैं बुद्धि को, बुद्धि का तर्क वितर्क को उमा बुद्धि को कहा। उ मैंने क्या और मा मैंने नहीं, यानी कि क्या है क्या नहीं है ये सब किसका विषय है? तर्क का विषय है। उमा बुद्धि को इसलिए कह दिया गया विद्वानों ने। तो कहा कि उमा तुम्हें पता था ये यक्ष कौन है? उमा से पूछा और उमा ने फिर बताया, हे इंद्र तुम नादान हो, इंद्र तुम नादान हो, तुम्हें जान नहीं है। अरे ये यक्ष कौन था तुम्हें नहीं पता? मैं बताती हूँ। उमा ने कहा यक्ष ब्रह्म है, ना जाने क्यों तुमको भ्रम है। उमा ने कहा यक्ष ब्रह्म है,
ना जाने क्यों तुमको भरम है। जग में महिमा ब्रह्म की सारी, गई मती क्यों मारी तुम्हारी। जग में महिमा ब्रह्म की सारी, गई मती क्यों मारी तुम्हारी। सुमित्र पता चल सब देवों को, सुमित्र पता चल सब देवों को। यक्ष ब्रह्म है जपा करो यह, यक्ष ब्रह्म है जपा करो यह, यक्ष ब्रह्म है जपा करो, यक्ष ब्रह्म है जपा करो यह, यक्ष ब्रह्म है जपा करो। आ खड़ा है कौन सामने, दिव्य रूप धर पता करो यह, यक्ष ब्रह्म है जपा करो यह, यक्ष ब्रह्म है जपा करो, यक्ष ब्रह्म है जपा करो यह, यक्ष ब्रह्म है जपा करो। उमा ने कहा है इंद्र तुम्हें पता नहीं चला ये यक्ष कौन था? अरे ये यक्ष ही तो ब्रह्म था, ये यक्ष ही तो ब्रह्म था। अरे तुम्हें अब तक पता नहीं चल पाया, जितने भी संसार में गति है, जितना भी संसार में जो भी क्रियाकलाप है वो यक्ष की, वो इस ब्रह्म की ही वजह से है, उसी की शक्ति से है, तुम्हें इसका ज्ञान नहीं था। अब इसका अभिप्राय सुन लीजिए आप। अग्नि और वायु जगत की दो शक्तियों के रूप में समझाने के लिए हमारे महर्षियों ने, ऋषियों ने ये आख्यान तैयार किए हैं, और इनके अंदर जो समझाने का प्रयत्न किया है उनको जब हम समझ जाते हैं तो हमारे जीवन में ईश्वर की राह, ईश्वर प्राप्ति की साधना की राह बड़ी आसान हो जाती है। अब उपनिषद एक बात और कहता है, जरा सुन लो। अच्छा आप जान पाए यक्ष कौन है? क्यों जी आपको पता चला यक्ष कौन है? हाँ ब्रह्म को बताया। अच्छा उपनिषद कहता है अगर आप ये मानते हैं कि आप उसे जानते हैं, आप अगर ये मानते हैं कि आप उसे जानते हैं तो समझो आप कुछ नहीं जानते। आप अगर ये मानते हैं कि आप उसे जानते हैं तो समझो आप कुछ नहीं जानते। अगर हाँ आप ये मानते हैं कि आप उसे जानते नहीं हैं तो जान सकते हैं, उसमें थोड़ी सी जगह है। क्योंकि जो लोग विद्वान विवेकशील होते हैं वे उस ब्रह्म के बारे में यही जानते हैं कि उसे जाना ही नहीं जा सकता, तो वहां वो लोग उसको जान लेते हैं। तो दो प्रकार की ये जो शक्तियां हैं, एक है अग्निदेव और एक वायुदेव। सब देवताओं के जो प्रतिनिधि तत्व इनको बताया गया है कि एक प्रकाश और एक गति, क्यों जी ये दो ही तो जगत में अधिक इनका ही तो महत्व है। प्रकाश के बिना कुछ नहीं और गति के बिना कुछ नहीं। एक दृश्यमान जगत माने अग्नि है और अदृश्यमान जगत माने क्या है? वायु है। और इंद्र क्या है? इंद्र माने जीवात्मा है। अच्छा ये बताओ अग्निदेव जड़ है कि चेतन है? क्यों जी जड़ है, सब देव जड़ है। तो अग्नि देव जड़। अच्छा ईश्वर को जान सकते हैं क्या? ये हारमोनियम ये जान सकती ईश्वर को? तो जड़ पदार्थ ईश्वर को जान नहीं सकता। और बिना ईश्वर के उनमें जितनी भी शक्ति है वो बिना ईश्वर के अपने आप एक उनका मात्र नहीं जला सकते, बिना प्रकट रूप हुए, बिना शक्ति के। अच्छा इस सूर्य में अग्नि किसने दी है जी? अपने आप थोड़ी है, ये ईश्वर की शक्ति है। बिना ईश्वर के अग्नि एक तिनका मात्र, वो शक्तिहीन है। वायु में वो जो गति दी है, वो जो स्पीड दी है वायु में, जो गति है वो किसके कारण है? वो ब्रह्म के कारण है। अपने आप वो एक तिनके को हिला तक नहीं सकता, इसलिए उसका अभिप्राय ये है। यानी कि जो दृश्यमान जगत है, अदृश्यमान जगत है, वो ईश्वर को तो जान नहीं सकता। फिर जब ये जान नहीं पाए, इनकी शक्ति केवल ब्रह्म के ही कारण है और किसी कारण से नहीं है, तो फिर कहा इंद्र ने अब मैं पता लगा। तो इंद्र के सामने तिरोहित क्यों हो गए, छिप क्यों गए? क्योंकि जीवात्मा ईश्वर को जान सकता है। और जब तक इसमें अहंकार रहेगा, जब तक इसके अंदर दोष रहेंगे, जब तक इसके अंदर जो है कमी रहेगी, तब तक ये ब्रह्म प्राप्त इसको बोलो आसानी से थोड़े ही हो जाएगा। ब्रह्म कोई आसानी से प्राप्त थोड़े ही होंगे। तो ब्रह्म को
जानने के लिए इस जीवात्मा को अपने अंदर से बहुत सारी कमियों को बाहर निकालना पड़ेगा और उसके लिए इसको अनुष्ठान करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, योग साधना करनी पड़ेगी। और जब ढूंढने का मतलब इंद्र के यही है कि जब इंद्र गए पता लगाने तो यक्ष तिरोहित हो गए, क्योंकि बिना साधना के अहंकार वाले व्यक्ति को ईश्वर नहीं मिलते। तो जब उसने ढूंढा और ढूंढते ढूंढने का मतलब है जब योग साधनों में लग गए, योगांगों में लग गए और साधना में के मार्ग में जब वो चल पड़े और काफी देर तक ढूंढते ढूंढते रहे, तो परमात्मा से जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या मांगते हैं? धीमहि धियो यो नः, कि परमात्मा हमें बुद्धि दो। तो परमात्मा ने जब काफी लंबा समय हो गया तो उमा को दे दिया, यानी कि बुद्धि को दे दिया। और जब बुद्धि को दे दिया तो बुद्धि ने फिर बताया कि ये तो जग में सारी महिमा हमारी कुछ नहीं है, ये तो उस ब्रह्म की है। जब वो सद्बुद्धि आई, तब सद्बुद्धि आने के बाद में, उमा के आने के बाद में, और ये उमा के जो वस्त्र अलंकार, स्वर्ण अलंकार का जो वर्णन किया है वो माने योगांगों का नाम है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। जब इनसे आदमी अलंकृत होता है तब उमा को, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए वो सायतार्थ, जब उमा ने बताया कि ये यक्ष, तो तब हमारी बुद्धि ने काम किया कि जग में महिमा सारी किसकी है? ब्रह्म की है। हमारी अपनी कोई ताकत बोलो है क्या? ये प्राण जब हम शरीर हमारे इस शरीर में आए और जैसे ही हमारा जन्म हुआ और जन्म होकर के आए, तो ये बताओ कौन वह शक्ति है जो इन प्राणों को अपने विषयों में लगा देती है? कौन वह शक्ति है जो इन इंद्रियों को इनके विषयों में नियत करता है? वो कौन है? ये केन उपनिषद को जब आप पढ़ेंगे तब समझ आएगा वह कौन है, किसके द्वारा है जो प्रत्येक हमारे इंद्रियों को उनके विषयों में नियत करता है। जन्म होते ही हमारे प्राण चलने लगते हैं। बोलो क्या हमें पता है? जब हम बच्चा पैदा होता है तब उसे पता होता है श्वास कैसे लेने, लेकिन चलने आरंभ त्वचा को, त्वचा का कार्य, स्पर्श का, दर्शन का, आंखों को, कौन है वह किसके द्वारा है? तो ये उस ब्रह्म के ही द्वारा है। तो इसलिए लोग जगत की तो पूजा करते लेकिन ब्रह्म की पूजा नहीं करते। शब्द की भी पूजा लोग करने लगते हैं, लेकिन वो ब्रह्म, वो ईश्वर जो सब जगत का नियामक है, सब जगत का कर्ता धर्ता हर्ता है, वो परम पिता परमात्मा ही जो है ध्याने योग्य है, उसी की भक्ति करने योग्य है। तो चंद पंक्ति आपके सामने गुनगुनाता हूं, तो आप भी ध्यान से सुनेंगे और मीठी मीठी ताली और बोलेंगे मेरे साथ। क्यों जगत की पूजा करते बन भोले अनजान, सृष्टि संचालक को जान। क्यों जगत की पूजा करते बन भोले नादान, सृष्टि संचालक को जान। सृष्टि संचालक को जान, सर्व विश्व आधारभूत वो परम पिता है महान। सृष्टि संचालक को जान, सृष्टि संचालक को जान। मन द्वारा तू मनन जो करता, ब्रह्म के कारण कार्य करता। मन द्वारा तू मनन जो करता, ब्रह्म के कारण कार्य करता। मन का मन है वह परमेश्वर, कर ले तू पहचान। सृष्टि संचालक को जान, सृष्टि संचालक को जान। अब देखो एक एक इंद्रिय को देखना कि किसके द्वारा, वह परमात्मा वाणी नहीं है लेकिन वाणी जिसके द्वारा है वह परमात्मा तो वह है। तो कहा वाणी जिसके द्वारा बोले, कर्ण प्रिय मीठा रस घोले। वाणी जिसके द्वारा बोले, कर्ण प्रिय मीठा रस घोले। पाई है मृदु वाणी मानव, पाई है मृदुवाणी मानव, करो उसका गुणगान। सृष्टि संचालक को जान, सृष्टि संचालक को जान। कौन चक्षुओं से दिखलाए, चर्म चक्षुओं से दिखलाए।
चक्षुओं से ना देखा जाए, कौन चक्षुओं से दिखला दे, चर्म चक्षुओं से दिखला दे, जो ये सारा जहान सृष्टि संचालक को जान, सृष्टि संचालक को जान। और आगे कहा, जिसके कारण श्रोत्र है सुनते, जिसके कारण श्रोत्र है सुनते, बुरी अच्छी सब बातें गुणते, ऋषियों के उपदेश सुने मीठे वेद व्याख्यान, सृष्टि संचालक को जान, सृष्टि संचालक को जान। अब वह प्राणों का भी प्राण परमेश्वर है, ब्रह्म है, प्राण दिए जीवन है चलाया, प्राणों का वह प्राण कहाया, प्राण दिए जीवन है चलाया, प्राणों का वह प्राण कहाया, सुमित्र ब्रह्म देता प्राणों को, सुमित्र ब्रह्म देता प्राणों को, गा मीठी सुरतान सृष्टि संचालक को जान, सृष्टि संचालक को जान, सर्व विश्व आधारभूत वो परम पिता है महान, सृष्टि संचालक को जान, सृष्टि संचालक को जान, सृष्टि संचालक को जान। तो सृष्टि संचालक को जाने, तो इसको ऋषिवर दयानंद जी महाराज ने हेमवती नामक ब्रह्म विद्या कह करके पुकारा है, जिसको परमात्मा की जो महिमा है, ईश्वर की जो महिमा सारे संसार में है, उसको जान करके अपने अहम को दूर करके उस ईश्वर के मार्ग में हम चले और अपने जीवन को जो मुख्य उद्देश्य है उसको प्राप्त करें। ये चर्चा मैंने आपके सामने की, ये बहुत विस्तृत चर्चा है, बहुत गहरी चर्चा है, जिसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जितना समय के अंतर्गत मैंने कहा आपने सुना, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आगामी कार्यक्रम ओम।